हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और आज आपके लिए लाई हूं श्रुति लेख का वीडियो जो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। करना चाहे तो किसी भी क्लास के बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये चैप्टर है क्लास 10th की बुक का और चैप्टर का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज करिए ताकि आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आए, आप सही से शब्द सुन पाए। आपका राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोशिश करिए अपने राइटिंग को बहुत अच्छा बनाने की। जो मैं बोलूंगी ध्यान से सुनकर उसको आपको साफ साफ लिखना है, और बाद में मैं आपको जो लिखी हुई स्लाइड दूंगी उससे अपने लिखे हुए को चेक करना है। जितनी आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको सर्कल कर लेना है। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद जितने आपने गलत शब्द लिखे हैं, अशुद्ध शब्द लिखे हैं, उनको स्लाइड से देखकर शुद्ध रूप में कम से कम 10-10 बार लिखने का अभ्यास करना है, ताकि आप भविष्य में कभी भी उन शब्दों को गलत ना लिखें। इन इमला के वीडियोस को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपकी हिंदी में या आपकी इंग्लिश में सुधार कर सकूं। डिक्टेशन एक बेस्ट माध्यम है किसी भी भाषा को करेक्ट वे में लिखने का, बोलने का, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस को देखकर लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही प्रोनंसिएशन सुन रहे होते हैं। तो जब आप किसी भी शब्द को सही रूप से सुनते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन भी शुद्ध हो जाता है, आप उसको शुद्ध रूप में ही बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसी के पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचा करें। तो मैं आपको बोलूंगी और आप लोगों को लिखना है, चलिए लिखना शुरू करिए। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया, और उसने एक साथ चार फिल्मों के निर्माण की घोषणा की मेरा नाम जोकर अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम पर जब 1965 में 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का
एक ही भाग बनाने में छह वर्षों का समय लग जाएगा। अब अगली स्लाइड से अपनी गलतियों को आपको चेक करना है। उससे पहले बात करते हैं आज की टिप एंड ट्रिक्स की कि भाषा को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत सारे शब्द और अक्षर, आधे अक्षर, इनके विषय में बताया है। आज मैं बात करने वाली हूँ पंक्चुएशन मार्क्स की, विराम चिन्हों की। यहाँ इस पैराग्राफ में कुछ नाम आए थे मूवीज के, पिक्चर्स के, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, और एक नाम है स्टार्टिंग में ही संगम। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, चाहे वो किसी पिक्चर का नाम है या किसी गाने की कुछ लाइंस हैं, तो हम इस तरीके के किसी भी नाम को ऐसे कॉमास के अंदर रखते हैं, तो हम इसमें ये चिन्ह लगाते हैं लिखते टाइम। तो आपको ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाते चलना है, और जब मैं आपको जो स्लाइड में लिखा हुआ देती हूँ उससे, चाहे कहीं कॉमा है, पूर्ण विराम है, डैश है, या किसी भी तरीके के आपको कोई भी चिन्ह मिलते हैं, उसको आपको लगाते चलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चेक करिए अपनी गलतियों को। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन छह वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को
कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी
ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कभी हृदय ही बना सकता था। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म सम्मानित पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कभी हृदय ही बना सकता था। कोशिश करती हूँ कि आप ही लोगों की किताब से वीडियो बनाया करूँ, आपके क्लास की किताब से वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान तो हो ही जाए, आपको अलग से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े उस चैप्टर के सारांश को। तो कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स को उसको शेयर कर दीजिए, बाकी बच्चों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, चैनल पर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो नीचे थैंक्स का बटन दिया हुआ है मेरे वीडियोस के नीचे, उस पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अभी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं एजुकेशनल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।